शहर के गोत्री सवाया नगर विस्तार में रहती माता की कोरोना के कारण मृत्यु होने के बाद अनाथ और निराधार बने वैसे बच्चों की सहायता करते हुए भाजपा के काउंसलर नितिन डोंगा द्वारा 1 लाख रुपए की धनराशि का चेक अर्पित किया गया। गोत्रा शहर में कोरोना वायरस की बढ़ रही महामारी के बीच हर रोज पॉजिटिव केस में बढ़ावा हो रहा है, जिसमें गोत्री सवाया नगर विस्तार में रहती मधुबेन वीरजीबाई वणकर की कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच कल रात गोत्री अस्पताल में मृत्यु हो चुकी। माता की मौत के बाद दोनों पुत्र 16 वर्षीय और 13 वर्षीय दोनों लड़के अनाथ और निराधार बन चुके हैं, जिसमें मधुबेन के पति वीरजीबाई वणकर की 6 महीने पहले ही कैंसर के दौरान मौत हो चुकी, जबकि माता मधुबेन प्राइवेट अस्पताल में कपड़े धोने का काम करती थी। दौरान वो कोरोना वायरस का संक्रमण होते हुए कल रात उनकी कोरोना संक्रमण के बीच मौत हो चुकी। जहां निराधार और अनाथ बने वैसे दोनों पुत्र की सहायता के लिए भाजपा के स्थानीय काउंसलर नितिन डोंगा ने मदद का हाथ बढ़ाया और परिवार को 1 लाख रुपए की धनराशि का चेक अर्पित करते हुए अनोखी सेवा प्रदान की गई। असवैया नगर गोत्री रोड छे अने ईश्वर ने प्रार्थना करू छू के हे ईश्वर, कोई पण ने मजधारे कोई ना मां बाप ने मारसो नहीं, जीवन जीवू खूब दुश्वार थी जाए एटले प्रभु ने बे हाथ जोड़ीने विनंती करूँ छू। अने साथे साथे पैसा थी जिंदगी खरीदी नहीं सकाती, पण वास्तविकता ए पण छे के पैसा वगर जिंदगी जीवी पण नहीं सकाती। एटले जारे आ बन्ने बाळको मधुबेन स्वर्गस्थ थया गई काले, एमना बन्ने बाळकोना पिता पण गया वर्षे स्वर्गस्थ थया, एना माटे आजे 1 लाख रुपया आपवा माटे आव्यो हतो। આમ તો 5-1 દિવસ પહેલાં જ બેનને દાખલ કર્યા, એ દિવસે પણ હું આવ્યો હતો આ ઘરે, અને બેન ખૂબ છૂટક કામ કરી અને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હતા। ટોટલ તમે કેટલી સહાય કરી છે, કેવી રીતે દર મહિને મહિને એમને સહાય કરી છે? જી, મેં એમને સેલ્ફના 8-8 હજાર રૂપિયાના 12 ચેક અને 4 હજાર રૂપિયા રોકડા આપેલ છે।